नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कतार में लगे देश के लिए बढ़ेगी कैश की किल्लत। आज से अगले 3 दिन तक बैंक रहेंगे बंद। एटीएम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें। आज से रेलवे, मेट्रो और बस में नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। सरकारी अस्पताल, दवा, दूध जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए 15 दिसंबर तक रहेगी छूट। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी की सीबीआई कोर्ट में पेशी आज। 3600 करोड़ की डील में 423 करोड़ की रिश्वत लेने का है आरोप। नोटबंदी के बाद गुजरात में पीएम मोदी की रैली आज। बनासकांठा में किसानों की रैली को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद अमूल दूध की यूनिट का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर। 60 ट्रेनें रद्द, 101 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। कुछ उड़ानों पर भी असर। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ट्रंप की जीत के पीछे रूस का हाथ होने की जताई आशंका। खुफिया एजेंसी ने क्रेमलिन और विकिलीक्स के बीच पाया कनेक्शन। बराक ओबामा ने मामले की जांच के दिया आदेश। और शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधे भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह संग लिए 7 फेरे। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने की शिरकत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।